हेलो नमस्ते, राम राम दोस्तों। आप देख रहे हैं बॉन पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत। और दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 8 बजे हैं और आज एक अजीब सी धुंध सी छाई हुई है। ये देखिए चारों तरफ आप, कल तो जो है हमारा किचन है इस पर काम नहीं हो पाया, जो इसका रिपेयरिंग वगैरह का था नया दरवाजे का, तो और आज मिस्त्री भैया आएंगे तो उनके साथ हम भी काम करने वाले हैं। और आदू को देखिए आप, चुपचाप से बैठ रखा है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ मनदीप गुर्रिया के घर पे, और गांव में अब कोई नहीं है, मैं और मनदीप ही हैं इस साइड पे, तो टाइम पास भी नहीं हो पाता। पहले जैसे बहुत सारे लड़के हुआ करते थे हम, अब घर पे सिर्फ मैं और मनदीप होते हैं और कभी कभी जीतू भाई आ जाता है सतकुली से। जैसे मैंने आपको बताया कि आज मनदीप घर पे है और फिलहाल मैं और मनदीप मनदीप के घर पे हैं, तो आज हम बनाने वाले हैं, मैंने कल आपको दिखा था प्लम हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, तो प्लम की चटनी, तो आपको भी बता दें काफ़ी टेस्टी होती है, खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे उसकी। तो मुझे तो नहीं आती, मनदीप ही बनाने वाला है, तो आपको भी दिखाते हैं। बिल्कुल लाल लाल प्लम हो गए हैं लेकिन अभी खट्टे हैं ये। ये देखिए बहुत सारे प्लम लगते हैं इस पेड़ पे और काफ़ी पुराना पेड़ है ये भी। प्लम के साथ हम मिक्स करने वाले हैं पुदीना, तो मनदीप पुदीना भी तोड़ रहा है। हमने प्लम और पुदीना निकाल लिया है और मनदीप उसे साफ कर रहा है। ये देखिए सबसे पहले पुलम को छोटे छोटे पीसेस में काटना पड़ेगा ताकि मिक्सी में हमें इसे ब्लेंड करने में आसानी हो, क्योंकि इसके अंदर जो बीज होता है उसका उसे अलग करना पड़ेगा। दिखा बीज, तो ये देखिए गाइस ये बीज है, इसे अलग निकाल के आप अपने खेत में डाल दीजिए ताकि आपका पुलम का पेड़ हो जाए। ऐसे फेंक दीजिए। हमारा पुदीना और पुलम का मिक्सर तैयार है, मिक्सर मीन्स कटिंग वगैरह हमने इसके कर ली है, अब इसे हम मिक्सी में ब्लेंड करने वाले हैं। मिक्सी आ गई हमारी और हमने पहले से कटिंग करके रखा हुआ है पुलम और पुदीना। अब इसमें मसाले मंदी बताएगा क्या क्या ऐड करेंगे हम। सारे मसाले आ चुके हैं, इसमें हम ऐड करने वाले हैं नमक, मिर्च और थोड़ी सी मीठी करने के लिए उसमें चीनी ऐड करने वाले हैं ताकि खट्टी मीठी हो जाए, क्योंकि पुलम बहुत खट्टे हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा इसे खट्टे मीठे बनाना। ये देखिए मनदीप ने डाल दिए हैं पुलम और पुदीना। ये देखिए तैयार हो गई हमारी पुलम की चटनी और थोड़ा सा हमने इसे पतला बना दिया, तो ये चिकन वगैरह चिकन विंग्स वगैरह खाने के साथ बढ़िया होगा। लेकिन थोड़ा सा पतली हो गई लेकिन टेस्ट अच्छा सा आ रहा है, इसे मैंने टेस्ट करके देखा तो बढ़िया से टेस्ट आ रहा है, खट्टी मीठी। तैयार है बनके हमारी पुलम की चटनी, तो काफ़ी टेस्टी हो रही है, खट्टी मीठी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने उसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड की तो उससे थोड़ा सा मीठी हो गई होगी, क्योंकि पुलम काफ़ी खट्टे हैं अभी, तो काफ़ी टेस्टी हो रही है। और आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और नॉर्मली और चीज़ें जैसे आप चिकन विंग्स या जो भी आप मतलब यूज करते हैं जिस चीज़ में चटनी, उसके साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी टेस्टी बनाई है मनदीप ने और मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है जब से मैंने इसकी चटनी नहीं खाई थी, तो कल से इसकी चटनी भी खाने वाले हम। इस पुलम का प्रयोग आप बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे आज मैंने चटनी बना के दिखाई आपको, पुलम का जैम बनता है, जेलीज़ बनती है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, अचार वगैरह। ये देखिए मेरे साथ अनमोल, सारे दिन भर स्पाइडरमैन पता नहीं क्या क्या देख रहा था फ़ोन पे, सुबह उठते ही बस इसका फ़ोन क्या देख रहा है। फाइनली लालू भाई आया और काम शुरू। मोर सिंगार जाए। और गाइस ये देखिए पुराने दरवाजे ऐसे पत्थर के मोर सिंगार पे लगते थे, जो आजकल नॉर्मली ये स्टील वाला है, देखिए लोहे का या लकड़ी का है, ये पत्थर वाला है देखिए, तो पत्थर के मोर सिंगार होते थे और इस पे दरवाज़ा लगाया जाता था, जैसे ये वाला दरवाज़ा है। ये देखिए ये पत्थर का है, उसके लकड़ी का दरवाज़ा है। ये देखिए आड़ू, तो ये पहले हमारे यहाँ बहुत सारे होते थे लेकिन अब एकदम से विलुप्त होने लगे हैं ये आड़ू।
ये देखिए, यह है घरे आड़ू। आजकल रोज़ ड्यूटी लगी है, जब भी मैं नौनखाल मार्केट जाता हूँ शिवम को लाने की और इसकी बहने इसी और क्या चाहिए ना शिवन्या को लाने की। तो आज शिवम का बर्थडे है, तो एक बार शिवम को हैप्पी बर्थडे शिवम। हैप्पी बर्थडे। तो आप सभी भी शिवम को ज़रूर विश करें और चुप रहे। और आप सभी लोग शिवम को जानते हैं, ये हमारा पहाड़ी पुष्पराज। एक बार करके दिखाएगा, दिखा दे। पुष्पराज तो आज पहाड़ी पुष्पराज का बर्थडे है और रात को हो सकता है इसका बर्थडे कुछ सेलिब्रेट हो। लगभग 12:30 पे इनकी छुट्टी हो जाती है, तो मैं इन्हें 12:30 पे इनके स्कूल से ले आया था, लेकिन ये इतने आलसी और इतने मतलब चलने के लिए इतने रोते हैं। 1:18 हो गए हैं, जबकि अगर मैं अकेले आता तो लगभग 10-15 में अपने घर पर पहुँच जाते हैं अगर आराम से भी आएँ। लेकिन शिवम ईशानी और शिवन्या इतने आलसी हैं चलने के लिए या इतने नखरे दिखा के चलते हैं कि लगभग 40-50 लगा देते हैं। और फिलहाल शिवम तो मेरे साथ है, इसकी दोनों बहनें नीचे वाला रास्ता चले गए। और नीचे वाला रास्ता आपको पता है जहाँ खड़ी चढ़ाई है और धूप भी लगती है, तो मैं उन दोनों को बोला कि ऊपर रास्ते चलते हैं, लेकिन उनके कोई दोस्त आ गए थे उसके साथ वो नीचे चले गए। ऐसे उसकी चाल देखिए, खेलते खेलते चलता है रास्ते भर, टहलते टहलते ये देखिए उल्टे काम बहुत करता है शिवम। अभी फ़िलहाल मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बस हम पहुंचने वाले हैं घर पे। यहाँ देखिए आप, ये रही उसकी बहनें और उसकी मम्मी आ रखी उन्हें लेने। तो ये नीचे रास्ते चले गए, ये रोड से होते हुए मैं गेट से इधर आ गया था ऊपर। अब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मंदीप आज अकेला है और उसके घर में आ रखा है गुणी लंगूर, और जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि वो काटने के लिए आता है, तो मंदीप को उसने दौड़ा दिया है शायद, तो उसने मुझे बुलाया है। मैंने अपने हाथ में देखिए डंडा रखा हुआ है, तो देखते हैं, बहुत काटने वाला है, वो डरता ही नहीं है। अभी दिखाता हूँ आपको, अगर होगा आसपास हमारे भी रुका होगा तो। गाइस वो देखे भाग गया हो, वीडियो बनाया दिन। और गाइस मंदीप अंदर सो रखा था और वो अंदर आने वाला था, उसने देखे चेयर कितनी दूर फेंकी है लंगूर ने, और बहुत दिनों से परेशान करते आ रहा है वो। तो अभी मैं आया, मंदीप ने उसे भगा दिया है नीचे। अभी फ़िलहाल हम नीचे जा रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए खतरा होता है ना। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल की अपडेट मिलती रहे।